हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान एकेडमी। सो बेसिकली डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं, आज की इस वीडियो में 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लीगल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको लीगल एप्टीट्यूड की भी और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस चाहिए तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। एंड अगर आपको और भी मतलब LLB एंट्रेंस रिगार्डिंग मतलब आपको प्रैक्टिस करनी हो तो हमारे आप कम्युनिटी टैब में जाकर वहाँ से क्विज सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज टॉप 20 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में LLB एंट्रेंस के रिगार्डिंग। चाहे आप BA LLB के एंट्रेंस की कर रहे हैं सही, या LLB AU LLB या VHU LLB किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो लीगल एप्टीट्यूड का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि युद्धवादियों से संबंधित कानून को संहिताबद्ध किया गया है। ऑप्शन ए जिनीवा कन्वेंशन, ऑप्शन बी वियना कन्वेंशन, ऑप्शन सी पेरिस कन्वेंशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको इसमें से बताना है कि युद्धवादियों से संबंधित कानून को संहिताबद्ध किया गया है, तो वह किस में किया गया? युद्धवादियों को संहिताबद्ध वो किया गया आपका जिनीवा कन्वेंशन में। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर थोड़ा को 2 को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ, तो डीएसएम क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करने के लिए नियुक्त 4 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन होता है, विशेष रूप से सरकारी आयोग के बाद से हुए परिवर्तन के बाद। तो आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं, न्यायमूर्ति एम पंछी, न्यायमूर्ति नानावती, जस्टिस वामचा, जस्टिस कुलदीप सिंह। तो किसको सरकारी आयोग के बाद से परिवर्तन आए हैं आपके केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए 4 सदस्य समिति के प्रमुख, वो है आपके न्यायमूर्ति एम पंछी। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है, इसको अलग से आप नोटबुक में भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है क्वेश्चन कि मुस्लिम धार्मिक नियम के रूप में जाना जाता है। तो मुस्लिम धार्मिक नियम के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए दीन, ऑप्शन बी बक्व, ऑप्शन सी उलेमा, ऑप्शन डी पुजार। तो डियर स्टूडेंट, जो मुस्लिम धर्म नियम के रूप में जो जाना जाता है वो आपको बक्व को जाना जाता है। बक्व से रिलेटेड आई थिंक एक क्वेश्चन तो जरूर आता है आपके LLB एंट्रेंस एग्जाम में। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि भारत में सबसे पुरानी विधि संहिता कौन सी है। तो यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। आपके पास ऑप्शन ये रहे, नारद स्मृति, मनु स्मृति, वेद स्मृति एंड प्रसार स्मृति। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो अगर आपने BA भी करी होगी, क्योंकि BA के बाद आप LLB एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन करोगे, तो ऐसे क्वेश्चन तो वहाँ पे भी आपके आते हैं। तो भारत में सबसे पुरानी विधि संहिता कौन सी है, वो है आपकी मनु स्मृति। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि पिता की मृत्यु के बाद पैदा होने वाला बच्चा होता है मरणोपरांत वारिस, निर्वेशित या हरामी। जब पिता की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो पैदा होने वाला बच्चा है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका मरणोपरांत, जो मरने के बाद उत्पन्न हो। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि भारत वर्ष में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना, जो भारत है जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? 1956, 1945, 1946, 1950। तो ये बना था आपका 1945 में। कब बना था? 1945 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 के बारे में। तो नहीं, 7 आई थिंक छूट गया है, आगे आ जाएगा। हाँ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। इको मार्क क्या है? पर्यावरणीय अनुकूल उपभोक्ता उत्पाद की लेबलिंग के लिए एक योजना, प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाई की लेबलिंग के लिए एक योजना, लागत प्रभावी उत्पादन तकनीक या इको फ्रेंडली बिल्डिंग की मान्यता देने वाला एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। तो इको मार्क डियर स्टूडेंट जो है वो है आपका प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाई की लेबलिंग के लिए एक योजना,
तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी ये बक्स से रिलेटेड, मैं कहना बक्स से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है। तो बक्स के प्रबंधक के रूप में जाना जाता है सज्जादीनशील, खादिम, मुतवली या मुअब्जर। तो किसको नाम जाना जाता है? मुतवली के नाम से। एंड ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो डियर्सन क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? बम्बई उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय या दिल्ली लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो आता है वो केरल उच्च न्यायालय के नज़दीक में आता है। इसमें आता है केरल उच्च न्यायालय के अधिकार में। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले मुख्यमंत्री सूचना आयुक्त थे? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। वजाहत हबीबुल्ला, इरफान हबीब, ताहिर मोहम्मद, नजमा हिफ्ता। तो वो पहले जो मुख्य सूचना आयुक्त थे भारत के वो थे वजाहत हबीबुल्ला। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 11 की हाँ 12 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि सफल अभियोजन का परिणाम है वरी करना, निर्वाह करना, दृढ़ विश्वास या चार्जशीट। क्या है आपका सफल अभियोजन का परिणाम? दृढ़ विश्वास। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि भ्रष्टाचार की आधिकारिक लापरवाही के खिलाफ किस संसदीय समिति को प्रहरी और लोगों के संरक्षक के रूप में वर्णित किया गया है? आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए अनुमान समिति, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी सार्वजनिक उपक्रम समिति या ऑप्शन डी भारत की संचित विधि पर सीमित। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डिस्टेंट जो आपकी ये प्रहरी थी या लोक लेखा समिति के ऊपर डिपेंड है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है मानव विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार भारत ने HDI रैंकिंग में 126वां स्थान प्राप्त किया है जो वो पिछले वर्ष की तुलना में है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप अलग से नोटबुक में भी लिख सकते हैं या अपने फ़ोन से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके पास ऑप्शन है दो रैंक के ऊपर, एक रैंक के ऊपर, दो रैंक के नीचे, एक रैंक के नीचे। तो जो उसका राइट आंसर है वो है एक रैंक के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। भारत सरकार सियादल में देवपुरा के बीच रेल लिंक खोलने की योजना बना रही है। देवपुरा स्थित है नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाए, थोड़ा टाइप होने में कोई गलती होगी तो उसको तुम इग्नोर कर देना। एंड आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि कहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हो गई है। एंड अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि केंद्र सरकार का कर नहीं है आयकर, सीमा कर, भूमि कर, निगम सीमा शुल्क। तो केंद्र सरकार जो कर नहीं है वो भूमि राजस्व है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है डियर स्टूडेंट अब कृत्य के कानून का विकास हुआ सीमा शुल्क और मिसालें न्यायिक निर्णय अधिनियम या उपरोक्त सभी। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें से जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का अब कृत्य के कानून का विकास हुआ वो हुआ न्यायिक निर्णय के में। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का। तो इसमें पूछा है जब किसी दुकान में मूल्य टैग के साथ सामान प्रदर्शित किया जाता है तो यह क्या है? एक प्रस्ताव, प्रस्ताव के लिए एक निमंत्रण, एक काउंटर ऑफर या इनमें से कोई नहीं। तो यह इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। एंड हाँ आप पर आपको इस लीगल एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपोर्टेंट की अगर PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6398304022 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले सकते हो। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन अप्लाई कर रखी है कि आपको हमारे YouTube चैनल का सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा। एंड अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी चाहिए AU LLB एंट्रेंस रिगार्डिंग, DU LLB एंट्रेंस रिगार्डिंग, तो आप वो भी ले सकते हैं हमारे चैनल नंबर व्हाट्सएप के थ्रू।
एंड अगर आपको हमारे LLB एंट्रेंस एग्जाम के ग्रुप में जुड़ना होगा या जुड़ना चाहते हो तो उसकी भी लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। एंड अगर आप लीगल एप्टीट्यूड से रिलेटेड और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। एंड अगर आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है अपने मतलब क्वेश्चंस की कि मेरी मतलब प्रैक्टिस कैसी है मतलब उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप हमारे कम्युनिटी टैब में जाकर वहाँ पर अपने क्विज सॉल्व कर सकते हैं कि हाँ मैं मतलब वास्तव में ही मतलब कुछ काबिल हूँ, कि मतलब प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अगर आपकी प्रिपरेशन चल रही है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड अगर आपको कोई क्वेरी या कोई भी मतलब आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप LLB एंट्रेंस एग्जाम 2023 एंड 2024 के में जुड़ जाए तो वहाँ से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट कंटेंट भी या मिल सकता है, तो स्टडी मटेरियल भी वहाँ पर मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो आप वहाँ पर भी जाके जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।